हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। होमोजेनियस पे बात नहीं होती। देखो, होमोजेनियस की क्या पहचान होती है? जो उनका कांस्टेंट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ये जीरो जीरो है ना, तो ये कांस्टेंट पार्ट क्या होता है उनका? जीरो होता है। अब होमोजेनियस के लिए मैंने बताया था कैसे हम क्या करते हैं, या पूछ ला हमें क्या करना, चेक वेदर सिस्टम, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल है। ट्राइवल किसे कहते हैं? मैंने बताया था ट्राइवल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। और नॉन ट्राइवल का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, हमें पता है अगर होमोजीनियस होता है, मैंने पहले बता दिया था, होमोजीनियस मैं फिर बता रहा हूँ, जो रैंक होती है मैट्रिक्स की वो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होती है। ठीक है, और इस इनफाइनाइट के लिए क्या होता है? रैंक ऑफ ए जो होती है वो क्या होती है? एन से कम होती है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है, अगर ये तो होगा रैंक का कंसेप्ट, और कैसे पता लग सकते हैं हम? अगर हमारा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है तो होगा वो यूनिक। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जा रहा है तो वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब दोनों कंसेप्ट से कर सकते हैं, चाहे रैंक के कंसेप्ट से या डिटरमिनेंट के कंसेप्ट से। ठीक है, तो फिलहाल देखो मैं करने वाला हूँ, किससे करने वाला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए। चलो रैंक से ही करते हैं। ठीक है, रैंक का ही ज़्यादा आता है उसमें, रैंक के नाम से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स मेथड से बोलेगा वो, तो मैट्रिक्स मतलब रैंक वाले कंसेप्ट से करना। तो यहाँ पर करते हैं इसको, पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में होमोजीनियस को? जो एक्स वाई जो ना ए जीरो होते हैं उसको नहीं लिखते हैं, केवल ए मैट्रिक्स बनाते हैं इसमें। कॉन्जुगेट वो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसको नहीं बनाते हैं। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखो इसमें, पहली वाली का 1, 3, -2, अगली वाली में 2, -1, 4, इसका 1, -11 और 14। ठीक है, अब इसका इसका क्या करते हैं, एक्लन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, उससे रैंक देखते हैं। ठीक है, तो एक्लन फॉर्म से कैसे करते हैं, पहले रो में गए, पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये मिला तो उसके नीचे के सबको जीरो बनाना। ठीक है, तो 2 को 0 बनाना और मुझे 1 को 0 बनाना। तो 2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा 2 को 0 बनाने के लिए, मैं क्या कर दूंगा, पहले वाली रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो 2 हो जाएगा, 2 में 2 को घटा दूंगा, तो यानी R2 -2 R1 लगा दूंगा मैं। और R3 तो बहुत आसान है, R3 वाले को इसको जीरो बनाने लिए मैं क्या करूँगा, R1 में से घटा दूंगा, 1 -1 0 बन जाएगा, तो R3 -R1। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी रिड्यूस होके, 1, 3, -2, इसमें से इसका डबल घटा रहे हैं तो 2 -2 हो गया, 0 हो गया। ऊपर वाले में 3 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 -1 -6 हो गया, -7। ऐसे इस वाले में ये हो गया -4, 4 में से -4 को घटाएंगे तो 4 दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे। इसमें से अब R3 में से R1 घटाना, तो 1 में से बन गया 0, -11 में 3 गए तो -14 हो जाएगा, 14 और 2 ये कितना, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, रिंग उसमें रो नंबर 2 में जाऊँगा, रो नंबर 2 में पहला नॉन जीरो कौन मिला मुझे, 7, तो उसके नीचे वाले 0 बनाऊँगा, तो उसके नीचे कौन है, -14, इसको 0 बनाना है मुझे, इसको 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, मैं क्या करता हूँ, अगर इस वाले में रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ये -14 हो जाएगा, नीचे -14, तो -14 में से -14 घटा दूंगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, R3 को कैसे चेंज करता हूँ, अगर R3 में मैं क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ उसमें से, सॉरी R2 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और R3 में से घटा दूंगा उसको, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैट्रिक्स ए कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे ये बची 1, 3, -2, 0, -7, 8। तो ये 0, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -14 -14, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 16 में 16 गए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब ये क्या आ चुकी है, अब मैं एक नंबर रो नंबर 3 में जाता हूँ, वहाँ पर कोई नॉन जीरो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है, एक्लन फॉर्म। ठीक है, ये एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब रैंक ऑफ ए कितनी आ गई बताओ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, तो पहली वाली 1, दूसरी वाली 3, तो कम्प्लीटली 0, तो रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। एन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, एन की वैल्यू बताओ मुझे, नंबर ऑफ अननोन कितने थे, एक्स वाई जेड 3 थे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, रैंक ऑफ ए है वो क्या है, एन से
छोटी है, तो वो वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनू सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो होगा ये मतलब ये कंडीशन होती है, तो मतलब ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन, बस टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताना था। ठीक है, इतना करना था बस इसमें। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, ये हो गया पहला वो वाला मेथड, मैं डिटरमिनेंट से करके दिखाता हूँ, मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, पूरा का तो पूरा डिटरमिनेंट मेथड से दिखा देता हूँ एक बार, इसी क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ डिटरमिनेंट से करके। ठीक है, ये था रैंक का मेथड, और डिटरमिनेंट से करना तो डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों, अगर कुछ नाम से नहीं बोला एग्जाम में तो क्या करेंगे, जो भी आसान लग रहा है उससे कर दो, लेकिन जब अननोन फाइंड करने के लिए क्या कहता है, तब हमें हमेशा डिटरमिनेंट मेथड यूज करना, उसके भी प्रॉब्लम कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट लिखते हैं मैट्रिक्स का, कितना आ जाएगा ये 1 3 माइनस का 2, 2 माइनस का 1 4, 1 माइनस का 11 और 14। डिटरमिनेंट निकालो उसका, पहले 1 के अक्रॉस इसको ओपन करो, 1 ये कितना आ गया माइनस 14 की, तो माइनस का 14 सॉरी माइनस 1 की 14 की, तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 11 चौक 44, माइनस का 44 बीच में होता है प्लस। ठीक है, माइनस का 3, आगे देखो फिर 2 की 14 में की तो 28 हो गया, और 1 की 4 में की तो 4 हो गया, माइनस का कर दो। आगे फिर माइनस 2 के अक्रॉस खोलना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 11, माइनस का 22 हो जाएगा, और ये माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया यहाँ से माइनस 14 14 कट गया, ये तो 0 आ गया सीधा। ठीक है, नहीं, ये कितना था माइनस 14 ये आता है, और माइनस 44 है वो, सॉरी ये प्लस 44 होगा था, तो ये कितना होता है 44 में से 14 गए तो 30, और ये कितना हो जाएगा 28 में से 4 गए तो 24, अच्छा 24 की 3 में की तो 72 आ गया, ये माइनस का 21 बचा, माइनस 21 सर माइनस 2 करूँगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 42 हो गया 72, 72 में से 72 गया तो 0 आ गया, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन यानी ट्राइवल सॉल्यूशन, देखो उससे भी सेम ही आया है। ठीक है, कौन सा है, सॉरी नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इस तरह से देखो डिटरमिनेंट से भी काफी आसान है। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं अगर नाम से नहीं बोला। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप से। देखो यहाँ पे इस बार कितने वेरिएबल हैं, ध्यान से देखोगे एक्स वाई यू भी दिखाई दे रहा है और जेड भी दिखाई दे रहा है, तो चार वेरिएबल हैं, किस सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले एक्स का कोफिशिएंट, वाई का, जेड का, फिर यू का। ठीक है, तो लिखते हैं हम करने वाले हैं, चलो रैंक मेथड से ही करते हैं। ठीक है, रैंक मेथड से करते हैं, क्यों 3 बाई 3 की मैट्रिक्स ही तो डिटरमिनेंट निकालना आसान रहता है, 4 बाई 4 करोगे तो दिक्कत थोड़े देर लगेगी बस, और कुछ नहीं फिलहाल, तो कोई बात नहीं, हम रैंक से ही करने वाले हैं, और डिटरमिनेंट से आप कर सकते हैं अगर मन है तो। तो पहले एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 2, जेड है नहीं पहले वाली इक्वेशन में तो कोएफिशिएंट उसका 0 मानेंगे, और यू का कितना हो गया -2। ठीक है, आगे वाली में एक्स का 2, वाई का -1, जेड अगेन नहीं है यू के साथ -1। अगली वाली क्वेश्चन के लिए लिखो एक्स का 1, वाई भी नहीं है, जेड की जगह 2 है, यू की जगह -1 है, एक्स की जगह अगली वाली में 4, वाई की के साथ -1, जेड की जगह 3 और यू के साथ -1। रिंग कंसेप्ट से करने वाले हम, तो यहाँ पे देखो पहले अब नॉन जीरो कौन मिला मुझे, पहली रो में 1, इसके नीचे के सबको 0 बनाओ, 2 को 1 को और 4 को। ठीक है, रो ऑपरेशन लगा के, तो यहाँ पे देखो मैं रो ऑपरेशन कैसे लगाता हूँ, रो 2 को मैं कैसे 0 बनाऊंगा, रो 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यानी आर 2 में से डबल घटा दूंगा किसका, आर 1 का, आर 3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस आर 1 में सेपरेट कर दूंगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, आर 4 के लिए मैं क्या करूंगा, आर 4 के लिए मैं क्या करूंगा, आर 4 में से हम क्या करते हैं, इसका डबल घटा दो आर 2 का, 2 आर 2। ठीक है, बस अब जो मैट्रिक्स आएगी उसको लिखो यहाँ पे, 1 2 1 सेकंड थोड़ा मैट्रिक्स बड़ी बना, 1 2 0 माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना, आर 2 माइनस 2 आर में, तो 2 माइनस 2 गया तो 0 हो गया, ये हो गया ऊपर 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 हो गया,
दोनों जगह जीरो तो जीरो ही रहा, और वो हो गया ऊपर माइनस का चार, माइनस वन में से माइनस का चार गया तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। ठीक है, कैसे, माइनस वन में से माइनस चार गया तो तीन बचेगा। ठीक है, आगे देखो, आर थ्री के लिए क्या करना, आर वन में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वन में से वन गया जीरो, जीरो में से दो गए तो माइनस का दो, दो में जीरो गए तो दो, माइनस एक में से माइनस दो गए तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस वन प्लस दो यानी एक बचा। ठीक है, और आर फोर के लिए क्या करना, डबल करके आर टू का घटा देना, तो फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, ये हो गया माइनस का दो, माइनस वन में से माइनस का दो गया तो एक ही बचा, और इसमें किए दो की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, सॉरी जीरो में मल्टीप्लाई की जीरो रह गया तो नीचे ये तीन ही आ जाएगा सीधा, इस वाले माइनस वन में की तो कितना आ गया, माइनस दो, माइनस वन में से माइनस दो को घटाऊंगा तो एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं अगली रो में जाऊंगा, सेकंड रो में, तो मुझे पहला नॉन जीरो कौन बना, माइनस का पाँच, तो इसके नीचे सबको जीरो बनाना होगा, माइनस दो को और एक को बनाओ, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, माइनस दो और एक को जीरो बनाना, तो आर थ्री में है वो, क्या लगाऊंगा मैं, इस वाले में दो की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें पांच की, तो माइनस दस हो जाएगी, ये माइनस दस हो जाएगा, घटा दूंगा। ठीक है, तो दो आर दो माइनस पांच आर तीन कर सकता हूं मैं। ठीक है, दस माइनस दस जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट आर फोर को, और मुझे अभी जीरो बनाना है, आर फोर को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इस वाले में दो की मल्टीप्लाई कर दूं और आर थ्री के साथ ऐड कर दूं, यानी आर थ्री प्लस टू आर फोर। ठीक है, अब जब मैट्रिक्स आएगी मैं उसे साइड में लिख रहा हूँ, कितनी आएगी मैट्रिक्स वो, तो पहली और दूसरी रो में कोई चेंज नहीं, वन टू जीरो माइनस का टू, जीरो माइनस का पांच, जीरो तीन। तो अब लगाओ उसमें आर थ्री के लिए क्या करना, आर टू में दो की मल्टीप्लाई करनी है और आर थ्री में पांच का, तो जीरो, ये तो दोनों जीरो ही रहेंगे, दोनों जगह जीरो, ये हो जाएगा माइनस दस, माइनस दस को मल्टीप्लाई जीरो सबट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसमें दो में की जीरो में की दो की तो जीरो ही रह गया, और इसमें की तो पांच की, ये हो गया दस, तो जीरो माइनस दस गया तो माइनस का दस। नेक्स्ट देखो, इसमें करी दो की, ये हो गया छः, और इसमें एक की तो पाँच हो गया, छः में से पाँच गए तो एक। आगे देखो, आर थ्री आर फोर के लिए क्या करना, आर थ्री के साथ ऐड कर देना डबल करके, तो ये दोनों जगह जीरो, तो जीरो ही रह गया। ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें एक की करूँगा, माइनस दो प्लस दो, दो प्लस तीन इंटू दो कितना हो गया, छः और दो आठ, वन, इसमें टू की मल्टीप्लाई की नीचे वाले में, तो वन प्लस टू यानी थ्री हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रो टू में जा चुका था, अब रो थ्री में जाऊंगा, रो थ्री में मैं जैसे ही गया मुझे पहला नॉन जीरो कौन मिला, माइनस का दस, उसके नीचे का जीरो बनाना, यानी आठ आ रहा उसके नीचे तो आठ को जीरो बनाओ, तो मैं क्या करूंगा इसको जीरो बनाने के लिए, आर फोर में है वो, मैं क्या करूंगा इस वाले में तो आठ की मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो इसमें आठ की मल्टीप्लाई कर दो, या सॉरी पाँच की, आठ की नहीं, आठ पर ये इसमें क्या कर रहा हूँ, नहीं, आठ की करते हैं, ये माइनस अस्सी हो जाएगा, इसमें दस की कर लेंगे, ये प्लस अस्सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आर थ्री में मैं क्या करता हूँ, आठ की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आर फोर में दस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, माइनस अस्सी प्लस अस्सी जब भी जीरो बनेगा, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, वन टू जीरो माइनस का टू, जीरो माइनस पाँच, जीरो तीन, जीरो जीरो माइनस का दस एक, ये तो जीरो ही रहे, यहाँ पे जीरो जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस अस्सी प्लस अस्सी, इसमें मल्टीप्लाई की आठ में एक की तो आठ, और तीन में दस की तो तीस हो गया, दस तीस और आठ हो गया अड़तीस। ठीक है, अब देखो मैं आर फोर में जाता, पहले नॉन जीरो कौन मिला, अड़तीस, उसके नीचे कुछ नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है मेरी, एक्लन फॉर्म, तो एक्लन फॉर्म आ चुकी है, तो यहाँ पर रैंक बता दो मुझे, रैंक ऑफ ए कितनी आई है, रैंक ऑफ ए कितनी है, पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी नॉन जीरो, चौथी नॉन जीरो, क्योंकि 38 आ रहा है। ठीक है, तो रैंक कितनी आ गई, चार आ गई। ठीक है, चार नॉन जीरो रो है, एन की वैल्यू कितनी थी, एन की अननोन कितने, एक्स वाई जेड यू, तो चार अननोन है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भैया, एन के इक्वल आ जाती है, तो वहाँ उस केस में होता है ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, ये करना था इसमें। ठीक है, इस तरह से करते हैं, इसे डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, डिटरमिनेंट थोड़ा लंबा पड़ेगा और कुछ नहीं।
आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ होमोजीनियस के ही करने वाला हूँ, जिसमें अननोन की वैल्यू पूछता है, जैसा के की वैल्यू पूछता है, लैम्डा की वैल्यू पूछता है, म्यू की वैल्यू पूछता है, उस टाइप के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।